लगातार डॉटन से आप सभी का स्वागत करती हूँ साक्षी मार्केट में। साक्षी मार्केट जमशेदपुर का सबसे मुख्य बाजार माना जाता है और इस बाजार में दो किस्म की दुकानें लगती है, एक तो उनकी दुकान है जो जिन्होंने खरीदी है और दूसरी दुकान लगती है फुटपाथ पर, ये सड़क पर लगाते हैं दुकान और इन्हें मंगला हाट दुकानदारों के नाम से भी जाना जाता है। और ये जब से साक्षी मार्केट लगा है तब से ये दुकानें लगभग अस्तित्व में रही और तब से ही लगती आई है, परंतु अब इन कुछ पिछले 2-3 सालों से प्रशासन इनकी दुकानों को हटाने के फिराक में है और लगातार प्रशासन यह तैयारी कर रही है कि साक्षी मार्केट की सड़कों को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त बना दिया जाएगा। ऐसे में लगातार ये दुकानदार पिछले 1.5 साल से पिछले लॉकडाउन के वक्त से ही अपनी दुकानें नहीं लगा पा रहे हैं, तो इस वजह से उनके सामने जो कुछ समस्या है वह उनके रोजी रोजगार की। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ मंगला हाट दुकानदारों से कि आखिर उनके सामने दुकानें ना लगाने से क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। कितने सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहे मंगला हाट में? हम लोग लगा रहे करीब 12-13 साल से, हम लोग ये लगा रहे हैं 12-13 सालों से। फिलहाल 1 साल से हम लोग का कुछ भी कमाई धमाई नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग का कुछ पार्टी का जितना भी लोग हैं साथ में सबको फिर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है और प्रशासन हम लोग को बार बार ये करते रहती है कि दुकान नहीं लगाना, दुकान नहीं लगाना। और आज प्रशासन पूरी तरह से मार्केट में तैनात है, मुस्तैद है, किसी को कुछ लगाने के लिए नहीं दिया जा रहा। ये जो दूसरी जगह आवंटित करने की बात चल रही है, तो आम बागान में बोला गया था कि आम बागान में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कुछ लोग गए भी थे लेकिन फिर वापस बोली नहीं हो रहा था, कुछ लोग गए थे वो भी जो है ना उसमें आधा लोग बाजार के थे, ज़्यादातर लोग बाहरी आदमी लोग। अच्छा, बाहरी लोग थे। तो ऐसा वहाँ पे कोई जगह आप लोगों को कि कितने लोग लगाते हैं गिन के? कुछ नहीं, कोई ये नहीं है, कोई मार्का कोई ये नहीं है, ऐसे बैठने के लिए बोला गया, बस बैठने के लिए। तो आप लोगों का मुख्य समस्या अगर आम बागान में लगाएंगे तो आप लोगों का मतलब जो यहाँ पर मेन मार्केट में बिक्री हो रहा है वैसा बिक्री नहीं होगा, बोने के लिए सोचना होगा, बोने के लिए सोचना होगा। यही वजह है ना कि आप लोग वहाँ पर लगाना नहीं चाह रहे कहीं दूसरी जगह। अगर ऐसे चलता रहा कितने दिनों तक ऐसा चल सकता है लुका छुपी का खेल? क्योंकि मैं देख रही थी वहाँ पर कुछ लोग लगा रहे हैं, पुलिस आ रही, हटा दे रहे सामान। वही देखिए, हम लोग अभी माल गया हुआ है 15 दिन से ऊपर हो गया माल गया हुआ, जब हम लोग थाना जाते हैं माल के लिए तो माल मिलता नहीं है। अच्छा, माल आप लोग जब तो वहाँ से बोला जाता है कि लोग अंदर करो। अच्छा, ये चीज़ बोला जाता है अंदर करो लोग को। तो मैम हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग आखिर करें तो करें क्या, चोरी करें या छिनतई करें क्या करें बताइए, घर तो चलाना होगा, पेट तो मानेगा नहीं। हम लोग खिलाने को बच्चा का स्कूल फीस, हम लोग का अपना रोजी रोजगार सप्ताह पे लगा हुआ है। कितना दिन तक ऐसा चलते रहेगा? 1 साल तक तो चल रहा है, अब कितना दिन चलेगा? वो लगाने नहीं दे रहा है प्रशासन, तो लगाने नहीं दे रहा है तो कहीं जगह दे रहा है तब ना भाई हम लोग जाएंगे, जगह दे दो हम चल जाएंगे, और जब तक नहीं जगह दे रहा है यहाँ लगाने दो। ये वापस से ये लोग अपना सामान बांध रहे हैं कि पुलिस आ जाएगी तो फिर आप लोगों का सारा सामान जब्त हो जाएगा। यहाँ बताइए, हम लोग इज्जत से कमा रहे हैं, प्रशासन को तकलीफ हो रहा है, चोरी रगड़ी छिनतई करें अच्छा लगेगा है? उसके बाद खुश होना चाहिए कि गरीब आदमी चलो किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहा है, तो ये जुल्म कर रहा है बताइए। हमने देखा कि मंगला हाट दुकानदार पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन के वक्त से ही अपनी दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे में उनके सामने जो कुछ समस्या है वो जीवन यापन की है, वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह से कमा कर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। कुछ का कहना है कि प्रशासन यदि यही करती रहे तो प्रशासन यही चाहती है कि हम अपराध की दुनिया में आ जाए। ऐसे में प्रशासन को देखने की जरूरत है और यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि मंगला हाट दुकानदारों का जो रोजगार है या जो 10-20 साल से लगातार एक ही फील्ड में है तो ये प्रभावित ना हो। प्रशासन को ऐसे कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है ताकि इनका जीवन यापन भी नहीं सही ढंग से हो पाए और अतिक्रमण का ये जो मामला है वो भी ना रहे। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।